हेलो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सूर्य गंगवार स्टडी टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की दूसरी पोएम है द साम ऑफ लाइफ। इसको कंपोज किया है एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो ने। साम साम मीन्स होता है सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गीत, जीवन का गीत। तो इसका हम आज जो 8वां स्टेंजा है उसको पढ़ेंगे, देखेंगे। आइए देखते हैं। 8वें स्टेंजा में कवि कहता है कि फुटप्रिंट्स that perhaps another sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again। कभी कहता है कि हमको हमें दूसरों के फुटप्रिंट्स पद चिन्हों पर perhaps शायद another दूसरों के sailing means sailing over means आगे बढ़ना, आगे बढ़ते रहना, लाइफ से जीवन के सोलेमन मैन, सोलेमन मैन मीन्स एक अकेला व्यक्ति, सोलेमन मैंस मतलब जो जिंदगी है वो क्या है, सोलेमन मैन है। अ फरलोन एक अकेला व्यक्ति, एंड शिप ब्रेकड मीन्स होता है बिखर जाना, टूट जाना, उसका जहाज जो है समुद्र में फंस गया हो, कोई व्यक्ति अकेले बिखर गया हो, अकेले रह गया हो। सींग देख करके सेल टेक हर्ट अगेन, उसको दोबारा ताकत मिल जाए। तो इसको हम देखते हैं, फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर, शायद हम दूसरों के पदचिन्हों को फॉलो करते हैं, या जो अच्छे लोग हैं उनके कार्यों को, हमने अच्छे कार्यों को देखा, उनके उद्देश्य को देखा, उनके लक्ष्य को देखा, जो अच्छे काम हैं उनके पदचिन्ह बने हैं, जैसे चाहे वो ए पी जे अब्दुल कलाम हुए या कोई और हुआ, जिनके भी अच्छे काम हैं उनके अच्छे पद चिन्हों पर हम चले हैं। तो यहाँ पे कभी कह रहा है फूड प्रिंट्स पद चिन्ह बनो दैट परहैप्स अनदर, दूसरों के लिए आप कुछ ऐसा करो कि दूसरों के लिए आप फूड प्रिंट्स बनो, आप पद चिन्ह बनो, जिनकी जिनकी जीवनी, जिनकी गाथाएं, जिन महापुरुषों की गाथाएं आज हम पढ़ते हैं जो महापुरुष बने हैं, आप भी उन्हीं की तरह बनो, उन्हीं की तरह फूड प्रिंट्स छोड़ो। सेलिंग ओवर लाइफ और आगे बढ़ो, ओवर लाइफ्स सोलेमन मैन, एक वो कह रहे हैं लाइफ जिंदगी जो है सोलेमन मैन है, एक समुद्री, एक जिंदगी जो है एक समुद्र जैसी गहरी है जिंदगी, कैसी है सोलेमन मैन, एक समुद्र जैसी गहरी है ना। तो जिंदगी में सेलिंग ओवर हमेशा आगे, इस गहरी समुद्र जैसी गहरी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आ फरलोन अकेले, जिस प्रकार एक अकेला व्यक्ति, अशिप ब्रेक्ड जिसका जहाज समुद्र में डूब गया हो और वो अकेले रह गया हो, ब्रदर सींग वह व्यक्ति जो जो अकेले रह गया हो और बिखर गया हो जिसका जहाज, तो आप ऐसे फुटप्रिंट्स बनो, ऐसे पदचिन्ह बनो कि सींग जिसे देख करके सील टैग येट अगेन, दोबारा उसको ताकत मिलनी चाहिए कि मैं इसे पार कर सकता हूँ, इस समुद्र से, इस गहरे समुद्र से, सोलेमन मैन इस गहरे समुद्र से मैं निकल सकता हूँ, इस गहरे समुद्र से मैं भी बाहर निकल सकता हूँ, जैसे ये व्यक्ति आगे गया है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी आगे निकल सकता हूँ। वही कवि ने यहाँ पे कहा, पूरा स्टेंजा फिर से देख लीजिए कि फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर, दूसरों के लिए पद चिन्ह बनो, सींग ओवर लाइफ्स सोलेमन मैन, जिंदगी जो है एक गहरे समुद्र जैसी दिखाई देती है, उसमें आगे बढ़ो। अ फरलोन एंड शिप ब्रेक्ड ब्रदर, जिस प्रकार एक अकेला व्यक्ति समुद्र में, जिसका समुद्री जहाज डूब गया होता है और वो समुद्र में अकेला फंसा होता है और बिखर जाता है, शिप ब्रेक्ड बिखर जाता है, सिंह ऐसा व्यक्ति, सिंह देख करके ऐसे फुटप्रिंट्स बनो कि सिंह देख करके सेल टेक हियर अगेन, उसे दोबारा ताकत आनी चाहिए, दोबारा ऊर्जा मिलनी चाहिए और वह उसे देख करके आगे बढ़े और निकल सके, है ना, ऐसे फुटप्रिंट्स बनो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।